अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज ब्रेकफास्ट आइटम पराठा, ओखली में टमाटर की चटनी और साथ ही मैंगो जूस। चलिए, अभी 2 कप गेहूं का आटा, ठीक है, इसमें हम लोग 4 पराठे बना सकते हैं और 1/2 स्पून नमक इसमें डालिए, थोड़ा सा घी, ओके, और अभी हम लोग थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से मिला लीजिए और इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दीजिए, ठीक है। ये बहुत नरम रहना है, ना कि सख्त। 1/2 घंटा हम लोग इसको ढक के रेस्ट के लिए रख देंगे। चलो, अभी हम लोग शुरू करेंगे टमाटर, पुदीने और कोथमीर की चटनी जो हम लोग बनाने वाले हैं ओखली में। हरी मिर्च, सूखी मिर्च, लाल और लहसुन की 4 कलियाँ, थोड़ा सा जीरा, उड़द दाल, चना दाल और काजू, साथ ही साथ 3 टमाटर, थोड़ा कोथमीर, थोड़ा पुदीना और बगार के लिए कड़ी पत्ता। अभी हम लोग एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ठीक है। अभी इस ऑयल में हम लोग जीरा, चना दाल, उड़द दाल को भून लेंगे, थोड़ा रेड होना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें काजू भी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी रहेगा, ठीक है। ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा क्रीमी टेक्सचर और बहुत टेस्टी रहेगा काजू के साथ। अभी इसमें हम डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च और रेड चिलीज। किसी भी चटनी में ना आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे तो बहुत टेस्टी रहेगा, ट्राई करके देखिए, ठीक है। अभी इसमें हम लोग डालेंगे, अभी देखिए रेड हो गया है ना मिर्ची, टमाटर डाल देंगे, इसको अच्छी तरह भुनना है अभी, साथ ही साथ कोथमीर, जो हरा धनिया और पुदीना, ठीक है, इसको अच्छे से भून लीजिए। जैसे कि आप टमाटर नरम होना है, 5 to 6 मिनट्स तो लगेगा, भून लीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा और टैमरिन, जो हम बोलते हैं इमली, उसमें डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि बहुत खट्टा हो जाएगा, वैसे तो टमाटर है ना। अभी इसको, इस मिक्सचर को हम लोग ओखली में पीस लेंगे, ना कि मिक्सी में, ओखली में पीस लेंगे अच्छे से, इसका खूब अच्छे सा पेस्ट बन जाएगा और इसको हम लोग अलग से निकाल लेंगे। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ठीक है। और इसी टमाटर पुदीने के चटनी में थोड़ा सा चौक लगा लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है चौक। चौक के लिए पता है ना आपको क्या डालना है, तेल डालना है पहले, थोड़ा सा तेल, और इसमें जाएगा जीरा, उड़द दाल, राई, चना दाल, सूखी लाल मिर्च और ढेर सारा कड़ी पत्ता। फ्रेंड्स, ये ब्रेकफास्ट आइटम बता रही हूँ मैं आपको, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि कैसा लगा ये ब्रेकफास्ट आइटम, ठीक है। अभी मैंने कड़ी पत्ते का भी चौक में डाल दिया, कड़ी पत्ते को, हल्दी को और थोड़ी सी हींग, एक कॉम्बिनेशन कॉमन रहेगा हरे कम लोग चटनी के चौक के लिए, ठीक है। अभी इस चौक को अभी हम लोग ने ओखली में पीसा हुआ टमाटर की चटनी में डाल देंगे। ऐसे पीसने से ना चटनी बहुत टेस्टी बनती है, हमारे नानी वाले लोग सभी लोग इसी तरह बनाते हैं, और हम लोग क्या है मिक्सी में डाल देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बना लेंगे पराठे, 1/2 घंटे हो चुका है और आटा भी भीग गया, ठीक है। ये पराठे के लिए हम लोग खूब सारा घी यूज़ करेंगे, ठीक है। बड़ा सा पेड़ा ले लीजिए फटाफट से और उसको थोड़ा डस्टिंग कर लीजिए ड्राई पाउडर से, ड्राई आटे से, ठीक है। इसको हम लोग बेल लेंगे और खूब सारा घी उस पर फैला लेंगे,
कल आने के बाद फिर हम लोग ड्राई पाउडर, ड्राई आटे से हम लोग इस पर डस्टिंग करेंगे। क्या होता है ये प्रोसेस जो है लेयरिंग के लिए हम लोग बना रहे हैं, पराठे का लेयर जो बनता है ना इसी प्रोसेस से बनता है। अभी हम लोग इस पराठे को और इस रोटी को इस तरह रोल कर लेंगे। थोड़ा आटा पतला हुआ है कोई बात नहीं, आप इस तरह बेल लीजिए और रोल कर लीजिए, ठीक है। पराठा सख्त नहीं बनेगा, बहुत नरम और टेस्टी भी रहेगा। ऐसे मुंह में डालते ही खुल जाएगा पराठा इस तरह, ठीक है। अभी इसको हम लोग फिर एक बार बेल लेंगे, पराठे को दो बार बेलना पड़ता है, ठीक है। अभी इसको अच्छे से गोल बेल लीजिए, थोड़ा चपाती जितना पतला नहीं बेलना है इसको, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह आप बेल लीजिए और अच्छी तरह से गोल गोल घुमा के इसको जलाना है हमें, ठीक है। देख रहे हैं ना पतला नहीं है, थोड़ा मोटा है। अभी इसको घी डाल के अच्छे से जला लीजिए। ये रोटी जब बन रहा है उसको अच्छे से चारों तरफ से आप उसको दबा के रोटी को फूलने के लिए करें। इससे क्या होता है जो अंदर रोटी जो है कच्चा नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह आप फटाफट से पराठा बना लीजिए। ये पराठा जो हम लोगों को 2 से या 3 मिनट तो ज़रूर लगेगा, क्यों कच्चा नहीं रहना है इसलिए, ठीक है। आप इस तरह जला लीजिए और ऊपर से खूब सारा घी डाल के पराठे को बना लीजिए। फ्रेंड्स ये ब्रेकफास्ट आइटम बता रही हूँ मैं आपको पराठे का। आगे आगे भी मैं बहुत सारी ब्रेकफास्ट आइटम्स भी लेके आऊँगी। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, ठीक है। अभी इस रोटी को हम फिर से पुलट पुलट करेंगे। कर दिया, अभी फिर से घी लगाओ, दोनों तरफ घी अच्छे से लगाओ, लगाते ही ये पराठा बन जाएगा। घी खाने से मोटे नहीं होंगे फ्रेंड्स, अच्छे से आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि घी खाने से मोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मज़ेदार पराठा बना लीजिए और टेस्टी टेस्टी टमाटर की चटनी से खा लीजिए। ये देखिए अभी पराठा बनने के बाद इस तरह हम लोगों को रोटी को बनाना है ताकि हम लोग लेयर लेयर देख रहे हैं ना, खूब लेयर्स बन गए हैं इसके। ये हुआ रेशेदार पराठा। अभी इसको हम लोग सर्व करेंगे ऑनियंस फ्रॉम काट लीजिए और साथ ही साथ टमाटे की चटनी जो हम लोगों ने ओखले में पीसा, टमाटे पुदीने कोथमीर की चटनी, ठीक है। और इसको साथ साथ मैंने ब्रेकफास्ट में एक जूस बनाया है, मैंगो जूस, बहुत आसान है, फटाफट आप 2 मिनट में बना सकते हो। इसके लिए आइस क्यूब्स ले लीजिए, पील हुआ पील किया हुआ मैंगो और थोड़ा सा मिल्क मेड, खूब ठंडा पानी मिक्सर में डाल दीजिए, एक विप मारिए, जूस रेडी है कि नहीं। अभी हम लोग इसमें मैंगोस, एक मैंगो डाला है मैंने, इससे आपको 2 ग्लास का जूस बनेगा, ठीक है। और इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से मिल्क मेड डालिए, अगर आप ज़्यादा स्वीट खाना पसंद करोगे तो कम डाल, खूब डालिए, हाँ कम खाना पसंद करोगे तो कम डालिए। अभी इसमें जाएगा आइस क्यूब्स और खूब ठंडा पानी, 2 विप, मैंगो जूस रेडी, सर्व कर लीजिए और पराठे के साथ इस नाश्ते को एंजॉय कीजिए। कीप वॉचिंग MRP, थैंक यू सो मच।